इस वेले दी वड्डी खबर पंजाब दे जलंधर तो सामने आ रही है, जिथे हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक दो पहिया वाहन कंपनी ते गंभीर इल्जाम लगे ने, ते इल्जाम कंपनी दे एक कर्मचारी दे वल्लों कंपनी ते लगाए गए ने। तो अंदाज़ दिंदे आ कि इस कंपनी दे कर्मचारी दा कहना है कि ग्राहकां नूं वाहन दे विच छोटी मोटी खराबी दी झूठी रिपोर्ट दे दित्ती जांदी है, ते उस दे बदले ग्राहकां दे कोलों मोटी रकम कंपनी दे वल्लों वसूली जांदी है। कंपनी दे कर्मचारी दे वल्लों कंपनी दे मालिक अते मैनेजर ते अजिहे गंभीर इल्जाम लगाए गए ने। लेकिन उधर दूजे पासे जदों कंपनी मैनेजर दे नाल गलबात करन दी कोशिश कीती गई, तां उन्हां दा कहना सी कि कर्मचारी एजेंसी दी वर्कशॉप दे विच काम करदा है, अते कर्मचारी ने वर्कशॉप तो कुछ समान चोरी कीता सी, अते हुण ओह झूठे इल्जाम जो है कंपनी ते लगाउंदा होया नजर आ रहा है। जदों चोरी दी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दे बारे पुछा गया तां मैनेजर दा कहना सी कि अजे तक उसने सीसीटीवी नहीं देखी है, लेकिन गवाह दे तौर ते उसदे नाल गार्ड जरूर है। तां दस दिंदे आ इक दूसरे ते इल्जामबाजी इन्हां दे वल्लों कीती जा रही है। की सच है, की सच निकल के सामने आउंदा है, इह तां जदों पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करेगी उस तो बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले के संबंध में जानकारी देते हुए इन्हों दोवें पक्षों का, इन्होंने दोवां धिरां का, ते नाल ही पुलिस अधिकारियों का की कहना सी उस सुनाउंदे आ तुहानू। किन्ना टाइम हो गया तुहानू कंप्लेंट दित्ती हुई नू, ते की किया जा रहा हैगा चौकी चार्ज भाजी? 8-9 तरीक नूं दित्ती, 20 दिन हो गए तकरीबन, 20-25 दिन। ठीक है जी, दूजा चौकी इंचार्ज तो नहीं, दूजे सके सुशील कुमार, उन्होंने कहा सी ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਰਨੇ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਜਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ 9-10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ वर्कशॉप में मैकेनिक हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो कस्टमर की गाड़ियाँ आती है उनके जो हेड होते हैं उसको प्रॉब्लम क्रिएट करके कस्टमर को जो है कस्टमर को ये बताया जाता है कि उनके जो इंजन हेड है उसका काम होने वाला है, और भी जो उसके पार्ट्स है उसके साथ छेड़खानी की जाती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर? सर बेसिकली मेरे तक बात आई कि ये बंदा चोरी करते हुए पकड़ा गया है यहाँ से, उसके बाद ये वहाँ पे जाके इसने हमारी कंप्लेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट की है, और आई थिंक उसका फ्रेंड ही आई थी, तो मुझे पूरी डिटेल्स भी इसके बारे में अभी कंफर्म है, इसके बारे में तो एमडी सर ही बात कर पाएंगे आपसे। और दिक्कत यह है कि हमारे एमडी सर के घर पर कुछ मिसअप नहीं हो गई है, तो आई थिंक 4-5 दिन के बाद ही मिल पाएंगे, जो तभी आपको क्लियर हो पाएगा। जो कुछ नहीं, जो अभी आपने कहा चोरी करते पकड़ा गया है, उसने आरोप ये लगाया कि मैंने उनका काम करना बंद कर दिया इसलिए मेरी सैलरी रोक दी गई है, मेरा इंसेंटिव था वो। बंदा चोरी पकड़ते हुए पकड़ा जाए, गार्ड पकड़ रहा है उसको, सामान बाहर लेके जाते हुए छुपा के लेके जाते हुए, उसके बाद बंदा गायब हो जाए, फिर जाके हमारी FIR के अगेंस्ट FIR कर रहा है, ये तो स्ट्रैटेजी होती है। FIR हुई है क्या इस मामले में? हमने दर्ज करवाई थी ना, शिकायत दर्ज करवाई, तो पुलिस ने क्या कहा था आपकी शिकायत पे? अगर आपने कोई एविडेंस दिया होगा? अभी तक प्रोसेस में है, अभी कुछ नहीं है फाइनल कुछ। तो आपके पास उसकी कोई चोरी करने का क्या कोई सबूत है? सर वही वीडियो जो हमारा गार्ड है, सबूत है सर, गवाह है। नहीं, वो पकड़ा है उसको चोरी करते, उसकी वीडियो वगैरह आपके आई है कैमरे में? बकायदा सर गार्ड ने पकड़ा है उसको, गवाह खड़ा है सामने, गवाह से ज्यादा तो नहीं है सब कुछ, तो आप है ना, हम बकायदा उसको खड़ा किया हुआ, इसलिए खड़ा किया हुआ है ना। तो आपके कहने का मतलब कि जो उसने आरोप लगाए उसे कैसे देख रहे हैं कि वो सही है कि गलत है? अब सर वो जो मर्जी बोलता रहे, चोरी के बाद तो बंदा बहुत कुछ बोलता है। तो बाकी मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मैं ज्यादा नहीं इसके बारे में बोल सकता, एमडी सर आते हैं तो वो 4-5 दिन के बाद बैठ के जो भी है आपको क्लैरिफाई कर देंगे सब कुछ। सर एक मकैनिक वालों तो एक शिकायतकर्ता वालों जिहड़ा TVS एजेंसी ते आरोप लगाए गए ने, कहते शिकायत भी दर्ज कराई गई ने, की है पूरा मैटर? कंप्लेंट आई है, वेरीफाई कर रहे हैं। की मामला की है पूरा? अरे कंप्लेंट आई, देखते हैं मामला की है, कहते मेरी तनख्वाह नहीं दी, तो हो गया। एक ये कह रहे हैं कि उत्थे अगर कोई कस्टमर आता है तो उत्थे कोई स्प्रे मार दी जाती या कुछ कर दिता जाता, जिन्ना ये साबित करते कि वो इंजन च प्रॉब्लम आ गई है, वो दरखास्त दी है, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ।
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ।